फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे बिफोर, आफ्टर और बिहाइंड प्रीपोजिशन के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बिफोर का मतलब होता है के सामने या फिर के पहले। हम दोनों कंडीशन में बिफोर का यूज़ करते हैं। आइए समझते हैं, जब कोई वस्तु या व्यक्ति किसी दूसरी वस्तु या व्यक्ति के कहाँ हो, सामने हो, कहाँ हो वो सामने हो, तो हम लोग यूज़ करते हैं किसका यूज़ करते हैं, बिफोर का यूज करते हैं। जैसे देखिए, ही वॉज स्टैंडिंग बिफोर द पुलिस इंस्पेक्टर। ही वॉज स्टैंडिंग बिफोर द पुलिस इंस्पेक्टर, यानी वह पुलिस इंस्पेक्टर के सामने खड़ा हुआ था। तो सामने के लिए, किसके लिए सामने, किसके सामने खड़ा हुआ था, पुलिस इंस्पेक्टर के सामने खड़ा हुआ था। तो इस कंडीशन हमने यूज किया बिफोर का। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए इसका, ही वॉज सिटिंग बिफोर द मिरर। मिरर यानी होता है दर्पण, शीशा, जिसके सामने आप बाल वाल सूखते हो ना, उसको बोलते हैं मिरर, दर्पण। तो ही वॉज सिटिंग, में बैठा हुआ था, बिफोर द मिरर यानी दर्पण के सामने, शीशे के सामने वह बैठा हुआ था। तो एक तो ये हो गया हमारा। अब देखिए फ्रेंड्स, बिफोर का सेकेंड रूल, के पहले, और के पहले या से पहले के अर्थ में भी हम लोग बिफोर का यूज़ करते हैं। जैसे देखिए, गांधी जी वॉज बॉर्न बिफोर सरदार पटेल। गांधी जी का जन्म सरदार पटेल से पहले हुआ था। के पहले या से पहले, तो गांधी जी का जन्म सरदार पटेल से पहले हुआ था। डू इट बिफोर 7 o'clock। ओ क्लॉक का मतलब होता है बजे, घड़ी का टाइम। तो डू इट यानी इसे करो, बिफोर 7 o'clock यानी 7 बजे से पहले, तो इसे 7 बजे से पहले करो। तो के पहले या से पहले के अर्थ में हम लोग किसका यूज करते हैं, बिफोर का यूज करते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, आफ्टर। आफ्टर का मतलब होता है के बाद। तो ट्यूजडे कम्स आफ्टर मंडे। ट्यूजडे कम्स आफ्टर मंडे, मंगलवार सोमवार के बाद आता है। मे कम्स आफ्टर अप्रैल। मे कम्स आफ्टर अप्रैल यानी मई अप्रैल के बाद आता है। और ही वेंट टू कॉलेज आफ्टर 9 a.m. वह सुबह 9 बजे के बाद कॉलेज गया। वह सुबह 9 बजे के बाद कॉलेज गया। तो आपने यहाँ देखा, तीनों एग्जांपल में आफ्टर का मतलब होता है के बाद। तो मैंने के बाद हिंदी अर्थ बोले यहाँ पे, तो यहाँ पे हुआ यानी am मतलब सुबह और pm मतलब शाम। तो वह सुबह के 9 बजे के बाद में कॉलेज गया। और देखिए एक और एग्जांपल, ही केम आफ्टर द प्रोग्राम वाज ओवर। ही केम आफ्टर द प्रोग्राम वाज ओवर। वाज ओवर यानी था समाप्त होने, वाज ओवर यानी समाप्त होना। तो देखिए, वह प्रोग्राम के समाप्त होने के बाद में, प्रोग्राम के समाप्त होने के बाद में आया। सेकंड फॉर्म है कैम, तो वह प्रोग्राम के समाप्त होने के बाद में आया, कार्यक्रम के समाप्त होने के बाद में आया। और देखिए आफ्टर का यूज कहाँ होता है, क्रम के संदर्भ में भी हम लोग आफ्टर का यूज करते हैं। क्रम के संदर्भ में कहने का मतलब, देखिए, योर नेम कम्स आफ्टर माइन इन द लिस्ट। माइन यानी होता है मेरे, तो योर नेम कम्स आफ्टर माइन इन द लिस्ट। तुम्हारा नाम सूची में, इन द लिस्ट का मतलब है सूची में मेरे बाद आता है। तो तुम्हारा नाम कम से यानी आता है, आफ्टर यानी के बाद, माइन यानी मेरे, इन द लिस्ट यानी सूची में। तो तुम्हारा नाम या आपका नाम सूची में मेरे बाद आता है, तो क्रम बता दिया किसके बाद, मेरे बाद आता है। तो इस कंडीशन हम यूज करेंगे आफ्टर का। नेक्स्ट देखिए, ही लेफ्ट फर्स्ट एंड हिज सन लेफ्ट आफ्टर हिम। ही लेफ्ट फर्स्ट, लेफ्ट यानी था छोड़ना। अब वो कोई भी स्थान हो सकता है, घर हो, स्कूल हो, कुछ भी हो। तो ही लेफ्ट फर्स्ट, पहले उसने छोड़ा, एंड हिज सन लेफ्ट आफ्टर हिम, और उसके बाद उसके बेटे ने छोड़ा। वो कोई भी स्थान हो सकता है। ही लेफ्ट फर्स्ट यानी फर्स्ट यानी पहले, तो पहले उसने छोड़ा, एंड हिज सन यानी उसके बेटे ने छोड़ा किसके बाद, हिम, उसके बाद, किसके बाद, उसके बाद, यानी ये जो ही आया ना यहाँ पे, इसके लिए यूज हुआ है यहाँ पे ये। तो पहले उसने छोड़ा, उसके बाद उसके बेटे ने छोड़ा। तो मैं यहाँ पे, आप सेंस को देखिए, बाद बोल रहा हूँ मैं, तो बाद के लिए हमने आफ्टर का यूज किया। और देखिए, किसी को पकड़ने के लिए दौड़ना, किसी को पकड़ने के लिए दौड़ना, एक तरीके से उसका पीछा करना। देखिए, द पुलिस मैन रैन आफ्टर द थीफ। द पुलिस मैन रैन आफ्टर द थीफ, तो सिपाही, अब पुलिस मैन, देखिए प्लूरल यहाँ पे ई एन हुआ है, एम ए एन की जगह। तो पुलिस चोर को, सिपाही हैं वो, चोर के पीछे दौड़े, सेकेंड फॉर्म है। तो सिपाही चोर के पीछे दौड़े, एक तरह उन्हें पकड़ने के लिए दौड़े, तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे आफ्टर का, ठीक है।
अब देखिए फ्रेजल टर्म्स में भी कुछ फ्रेजल टर्म्स मैं आपको बता रहा हूँ, इनमें भी हम लोग आफ्टर का यूज़ करते हैं। जैसे आपने सुने होंगे या पढ़े भी होंगे इनको, और इनका अर्थ है ना कि पर में इस तरीके से निकलता है। देखिए फ्रेजल कौन कौन से होती है ये फ्रेज, डे आफ्टर डे, सिटी आफ्टर सिटी, सोरो आफ्टर सोरो, विलेज आफ्टर विलेज। डे आफ्टर डे, सिटी आफ्टर सिटी, सोरो आफ्टर सोरो, विलेज आफ्टर विलेज। यानी डे आफ्टर डे का मतलब है दिन पर दिन, वह दिन पर दिन बदतमीज होता जा रहा है। इस तरह के सेंटेंस सुने होंगे ना, दिन पर दिन। सिटी आफ्टर सिटी का मतलब शहर के शहर, सोरो आफ्टर सोरो का मतलब दुख में दुख, और विलेज आफ्टर विलेज गांव के गांव। ठीक है, तो ये मैंने अभी आपको बता ही दिए। जैसे देखिए सोरो आफ्टर सोरो कंटिन्यूड, कंटिन्यू यानी होता है लगातार आना, तो दुख में दुख। सोरो आफ्टर सोरो का मतलब होता है दुख में दुख आता रहा, दुख में दुख आता रहा। सिटी आफ्टर सिटी यानी शहर के शहर, विलेज आफ्टर विलेज यानी गांव के गांव। तो सिटी आफ्टर सिटी का मतलब है शहर के शहर, डेस्ट्रॉय यानी होता है नष्ट होना। ऐसे बॉयस का वाक्य ये, तो शहर के शहर नष्ट कर दिए गए थे। ठीक है ना, और ये आपने सबसे ज़्यादा सुना होगा पहले। आप कहीं आप गए और किसी ने, जैसे कोई बुजुर्ग व्यक्ति है और उसका नंबर आप चाहते हो कि वो आपसे पहले आए, और वो आपसे कह रहा है कि भाई मान लो किसी काउंटर पे गए कोई भी टिकट वगैरह के लिए, और जैसे वो आपके पीछे लगा हुआ है वृद्ध कोई भी व्यक्ति है, तो आप उससे कहोगे पहले आप ले लीजिए, यानी पहले आप। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं आफ्टर यू। क्या यूज़ करते हैं? आफ्टर यू। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रपोजिशन है हमारा बिहाइंड। क्या है बिहाइंड? बिहाइंड का मतलब होता है पीछे। देखिए इसका पीछे छिपा हुआ, क्या है बिहाइंड यानी पीछे छिपा हुआ, यानी पीछे छिपने छिपे हुए के अर्थ में हम लोग बिहाइंड का यूज़ करते हैं। देयर इज़ ए ट्री, वहाँ एक पेड़ है, बिहाइंड माई हाउस, मेरे मकान के पीछे, मेरे मकान के पीछे एक तरीके से छिपा हुआ है वो पेड़ है, यानी दिखाई नहीं देगा आपको यहाँ पे। तो पेड़ किसके पीछे है? मकान के पीछे है। तो पीछे है का मतलब वो छिपा हुआ है, यानी दिखाई नहीं देगा। माई सन वॉज हाइडिंग बिहाइंड द डोर, यानी मेरा बेटा वाज हाइडिंग यानी छिपा हुआ था, बिहाइंड द डोर यानी दरवाजे के पीछे। तो मेरा बेटा दरवाजे के पीछे छिपा हुआ, तो पीछे के अर्थ में हम लोग क्या यूज करेंगे? बिहाइंड। द चाइल्ड वाज वॉकिंग बिहाइंड हिज मदर, तो बच्चा चल रहा था बिहाइंड हिज मदर, उसकी माता के पीछे। तो बच्चा उसकी माता के पीछे पीछे चल रहा था, यानी वो दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस कंडीशन हम लोग किसका यूज करेंगे? बिहाइंड का यूज करेंगे। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आपको आज के प्रीपोजिशन समझ में आए होंगे। यदि आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन के बटन को दबा दें, जिससे मेरी आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। थैंक यू।